नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पेट्रोल 64 पैसा महंगा, डीजल 1 रुपए 35 पैसे हुआ सस्ता। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के अनुरूप सोमवार को पेट्रोल के दाम 64 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, जबकि डीजल के दाम 1 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर घटा दिए गए। मई से अब तक पेट्रोल की कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। डीजल में इससे पहले 2 बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतें सोमवार मध्य रात्रि से लागू हो गई हैं। 16 मई को पेट्रोल के दाम 3 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। ब्रिटेन के एक स्कूल में छोटी स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध। ब्रिटेन में एक गर्ल्स स्कूल ने सीनियर छात्राओं के छोटी स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें सादगी वाला सूट पहनने और कम से कम मेकअप करने को कहा गया है। ये कदम गर्ल्स को सीखने के प्रति प्रतिबद्ध रखने को लेकर उठाया गया है। हार्टफोर्डशायर स्थित सेंट मार्गरेट स्कूल ने ए लेवल के छात्राओं के छोटी स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका रोज हार्डी ने सोबर सूट के एक नए ड्रेस कोड और कम से कम मेकअप पर जोर देते हुए कहा है कि स्मार्ट वेशभूषा एक प्रोफेशनल और लक्ष्य केंद्रित व्यवहार को जाहिर करती है। अभिभावकों ने स्कूल को पत्र लिखा है कि वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कूल को ऐसा सादा, मातमी और अप्रचलित ड्रेस कोड हमारी युवतियों पर थोपने की क्या जरूरत है। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी पर धोखाधड़ी का केस। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बेंगलुरु में लता पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी की है। लता पर 2014 में रिलीज हुई रजनीकांत की एनिमेटेड फिल्म कोचा दयान के प्रोडक्शन के चलते दिए गए झूठे बयानों और गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी मामले में लता के अलावा पति रजनीकांत और 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल है। कोर्ट ने केस फाइल करने का आदेश दिया है। केस में यह शिकायत की गई है कि लता ने पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब के जाली लेटर हेड का इस्तेमाल किया है। सीमेंट फैक्ट्रियों में फूंकी जा रही करोड़ों की मैगी। मैगी अब सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में फूंकी जा रही है। नेस्ले इंडिया ने कहा कि बाजार से 210 करोड़ रुपए मूल्य की मैगी वापस लेकर नष्ट की जा रही है। नेस्ले इंडिया ने नष्ट की जाने वाली मैगी की कीमत 320 करोड़ रुपए आंकते हुए कहा कि इसके अधिकतर हिस्से का उपयोग सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में हो रहा है। जलाने की प्रक्रिया 9 जून से जारी है। देश के खाद्य सुरक्षा नियामक ने मैगी के कुछ नमूनों में सीमा से अधिक सीसा पाए जाने पर कंपनी को बाजार से मैगी हटाने का आदेश जारी किया था।